आइए आइए तक खाली वीडियो में आइए ना आप। हाँ खड़ा है ना, देख क्या दीपावली के शुभ अवसर पर सभी बच्चों को छुट्टी दिया जा रहा है, तो आप सभी बच्चे अभी तो एकत्रित हैं और सभी टीचर भी, तो टीचर से पूछना चाहता हूँ कि अपने जो है बच्चे को दिवाली की क्या शुभकामना देना चाहते हैं, तो नितेश सर बताएंगे। दिवाली के सभी बच्चे को शुभकामना दीजिए। दिवाली सभी विद्यार्थियों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और दिवाली में खुशी का त्यौहार है और खुशी से मनाइए और इन्जॉय भी कीजिए। और कुछ बताइए कि किस प्रकार से मनाएंगे बच्चे, जो क्या क्या चीज़ जो है इम्पोर्टेड सामान, क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, जो सुशील सर बताएंगे। जो सुशील सर बताइए। धन्यवाद बाबा जी। दीपावली हम लोग आज से नहीं, जब से सृष्टि स्टार्ट हुई है तब से मनाया जाता है। ये मतलब इसमें ऋतु परिवर्तन माना जाता है कि शरद ऋतु का अंत होता है, अब शिशिर ऋतु का आगमन होता है, तो और नई नई फसलें जब आती है ना, तो इसको हम लोग वैदिक काल में इसे नवशष्टी यज्ञ के नाम से जानते थे। इससे बाद जो है ना, दीपावली के बाद एक नया वर्ष माना जाता है वैदिक मंतव्य के अनुसार। और इसके एक और अवधारणा है कि हमारे भगवान श्री राम जी, जब उनका वनवास हुआ था, वनवास से पुनः आगमन दीपावली के दिन में ही अयोध्या में हुआ था, तो ये भी है कि हम लोग राम जी के स्वागत के लिए और दीपावली आदि मनाते हैं। और दूसरी अवधारणा यह है कि हम लोग कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पे नई नई फसलें जो खरीफ की फसलें हैं कटती है, उससे हवन आदि करके नवशष्टी मनाते हैं। यही दीपावली के दो अवधारणाएँ हैं। इस